जैजन व्यूअर्स, मैं निश्चल जैन और मैं नित्य जैन आपका पाठशाला बोलो अभियान में स्वागत करते हैं। हर बार की तरह हम इस बार भी आपके लिए एक नई एक्टिविटी लाए हैं, जिससे आप पाठशालाओं में आने वाले बच्चों का इंटरेस्ट पाठशाला के प्रति बढ़ा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी के बारे में नित्य आपको बताएंगे। इस एक्टिविटी का नाम है क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पर आप बॉक्सेस देख रहे हैं जो कि बिल्कुल खाली हैं। हमें यहाँ पर आंसर्स भरने हैं, ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं। ऊपर से नीचे का मतलब है सारे प्रश्न ऊपर से नीचे की ओर ही लिखे जाएंगे, और दाएं से बाएं का मतलब है कि सारे प्रश्नों के उत्तर दाएं से बाएं की तरफ लिखे जाएंगे। अगर हम उन्हें उल्टा करके बाएं से दाएं या फिर नीचे से ऊपर लिख दे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आप साइन देख रहे हैं डाउन और राइट। यहाँ पर डाउन ब्लॉक में जो भी नंबर दिए हुए हैं हमें उनके उत्तर डाउन में ही लिखने हैं। राइट एरो वाले कॉलम में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं हमें उनके उत्तर लेफ्ट से राइट में ही लिखने होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले तीर्थंकर का नाम, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर है? इस संकेत को देने के लिए हमने यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1, तो पहले ब्लॉक में हम यहाँ पर लिखेंगे जो इसका उत्तर है 3। 3 का उत्तर यहाँ भरा जाएगा। और जैसे यहाँ पर 2 है, ये है राइट ब्लॉक में, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा। और ये 4, तो 4 का यहाँ पर ऐसे आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 भी है और 5 भी है, लेकिन हमने उनके साथ एरो भी बनाए हैं। 5 डाउन साइड और 4 राइट साइड। और अब हम पहले प्रश्न का उत्तर एक पाठशाला के बच्चे से पूछेंगे। आपका नाम क्या है? आदिल जैन। ठीक है, यहाँ पर आप बॉक्सेस देख रहे हैं जिसमें हमने एरो बनाए हुए हैं डाउन और राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ये डाउन कॉलम में है इसलिए हम उसका आंसर डाउन में ही लिखेंगे, और अगर वो राइट कॉलम में होता तो हम उसका आंसर राइट में ही लिखते। अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो डाउन कॉलम में है तो हम उसका आंसर डाउन में ही लिखेंगे, और जो यहाँ पर प्रश्न है राइट कॉलम में उनका आंसर हम राइट में ही लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर बताओ, पहले तीर्थंकर का नाम। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? आदिनाथ भगवान। बहुत अच्छे, तो बताओ कि हम आदिनाथ भगवान आदिनाथ कहाँ लिखेंगे? बहुत अच्छे, शाबाश, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। थैंक यू, अब तुम अपनी जगह पर बैठ सकते हो। तो आपने देखा कि उसने डाउन कॉलम का आंसर डाउन में ही लिखा। अगर वो ऐसे लिख देता, क्योंकि यहाँ भी 4 कॉलम है, अगर वो ऐसे लिख देता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो उसके साथ मैच नहीं होगा, तो हम भी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। आगे के 7 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हमने इसका टॉपिक रखा हुआ है तीर्थंकर, आप इसी तरह और भी टॉपिक्स पर इसी एक्टिविटी को बना सकते हैं। पाठशाला खोलो अभियान द्वारा हम अनेक पाठशालाओं को सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपके आसपास कोई पाठशाला चलती हो या फिर आप खुद कोई पाठशाला चलाते हो तो आप उसकी डिटेल इस नंबर पे भेज सकते हैं जो है 9911015015। डिटेल भेजने वाले को पाठशाला खोलो अभियान द्वारा कुछ गिफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू। जय जय।